नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस बात पर अड़े हैं गुर्जर और क्यों बार बार करते हैं आंदोलन। दोस्तों, राजस्थान में गुर्जर अपनी मांगों को लेकर 1 नवंबर से फिर आंदोलन करने जा रही हैं। इस बीच गहलोत सरकार ने प्रदेश में 8 जिलों में रासुका लगाकर वार्ता में शामिल नहीं हो रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला गुट पर शिकंजा कस दिया है। इधर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का कहना है कि रविवार को गुर्जर समाज भरतपुर जिले में पीलूकापुरा में महापंचायत करने के बाद चक्का जाम करेगा। वहीं सरकार बैंसला गुट को वार्ता के लिए लगातार बुला रही है, लेकिन बैंसला गुट वार्ता में नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसे में रविवार से चक्का जाम किया जाता है तो बैंसला गुट के नेताओं की गिरफ्तारी भी हो सकती है। दोस्तों, अब जानते हैं गुर्जरों की प्रमुख मांगें क्या क्या हैं। समाज गुर्जरों सहित रेवाड़ी, रायका, बंजारा व गाड़िया लोहार को अति पिछड़ा वर्ग में दिए गए 5% आरक्षण का मामला संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने, अति पिछड़ा वर्ग व सरकारी भर्तियों में बैकलॉग पूरा करने व देवनारायण बोर्ड के गठन और पिछले आरक्षण आंदोलन में जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए उन्हें वापस लेने की मांग हो रही है। दोस्तों, अब हम जानेंगे गुर्जर आंदोलन राजस्थान में कब शुरू हुआ और किस प्रकार से ये आगे बढ़ा। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की शुरुआत 2006 से हुई, तब से लेकर अब तक कई बार बड़े आंदोलन हो चुके हैं। इस दौरान भाजपा व कांग्रेस की सरकारें रहीं, मगर किसी भी सरकार ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन की समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाल पाया। दोस्तों, वर्ष 2006 में एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर पहली बार गुर्जर राजस्थान के हिंडौन में सड़कों व रेल की पटरियों पर उतरे थे। गुर्जर आंदोलन पर 2006 के बाद तत्कालीन भाजपा सरकार महज एक कमेटी बना सकी, जिसका कोई भी सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। दोस्तों, राजस्थान में गुर्जरों ने दूसरी बार 21 मई 2007 को आंदोलन किया। गुर्जर आंदोलन 2007 के लिए पीपल खेड़ा पाटोली को चुना गया। यहाँ से होकर गुजरने वाले राजमार्ग को जाम कर दिया गया। इस आंदोलन के दौरान 28 लोगों की मौत हुई। उसके बाद 23 मार्च 2008 को राजस्थान के भरतपुर के बयाना में पीलूकापुरा ट्रैक पर गुर्जरों ने ट्रेन रोकी। इस दौरान 7 आंदोलनकारियों को पुलिस फायरिंग में जान गंवानी पड़ी। इन मौतों के बाद गुर्जरों ने दौसा जिले के सिकंदरा चौराहे पर हाईवे को जाम कर दिया। इस दौरान 23 की जान गई। गुर्जर आंदोलन में 2008 तक मौतों का आंकड़ा 28 से बढ़कर 58 हो गया था, जो अब तक 72 तक पहुंच गया है। गुर्जरों का वर्ष 2008 के बाद दो बार 24 सितंबर 2010 व 21 मई 2015 को आंदोलन हुआ। दोनों ही बार वे मुख्य केंद्र राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना तहसील का गांव पीलूकपुरा रहा। यहां पर आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जरों ने रेल रोकी, महापड़ाव डाला। इसके बाद 5% आरक्षण पर समझौता हुआ। इसके बाद वर्ष 2018 तक मसला नहीं सुलझा।